छठ पर्व भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा का पर्व है, जिसमें विशेष रूप से सूर्य की उपासना जल स्रोतों के पास की जाती है। सूर्य को जीवन का आधार माना जाता है और उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। छठ पर्व कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, इसलिए इसे छठ कहा जाता है। छठ पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें पहले दिन को नहाय खाय, दूसरे दिन को खरना, तीसरे दिन को संध्या अर्घ्य और चौथे दिन को उषा अर्घ्य कहा जाता है। पहले दिन व्रती लोग पवित्र नदी या तालाब में स्नान कर घर की सफाई करते हैं और शुद्ध भोजन करते हैं। इस दिन अरवा चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाई जाती है। दूसरे दिन व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को खरना का आयोजन करते हैं। इस अवसर पर गुड़ से बनी खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। खरना के दिन से ही व्रती बिना जल के 36 घंटे का कठिन उपवास रखते हैं। तीसरे दिन व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। अर्घ्य देने के लिए गंगा नदी या किसी अन्य जलाशय के तट पर जाते हैं। इस दिन व्रती सूप में फल, ठेकुआ, गन्ना, नारियल, केला आदि अर्पित करते हैं। यह समय व्रत के कठिन तप और साधना का होता है और इसे अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। चौथे और अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इस दिन के अर्घ्य के बाद व्रती अपना उपवास तोड़ते हैं और पारंपरिक प्रसाद का वितरण किया जाता है। छठ पर्व के दौरान व्रती अपने परिवार और समाज की समृद्धि, सुख शांति और आरोग्यता की कामना करते हैं। यह पर्व धार्मिक अनुष्ठानों, लोकगीतों और पारंपरिक रीति रिवाजों का संगम है, जो न केवल आध्यात्मिक उन्नति बल्कि समाज में एकता और सौहार्द को भी बढ़ावा देता है। इस अवसर पर सूर्य देवता की आराधना के साथ ही प्रकृति के विभिन्न तत्वों जैसे जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी का सम्मान किया जाता है। यह पर्व पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की महत्ता का भी प्रतीक है और संकल्प का प्रतीक है, जो समाज में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का संचार करता है। छठ पर्व का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। यह पर्व पारिवारिक एकता, समाज के प्रति प्रेम और आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करता है। छठ पूजा के समय गांव और शहरों में एक विशेष प्रकार की रौनक होती है। घाटों की सफाई, सजावट और दीपों की रोशनी से वातावरण में एक अद्भुत सौंदर्य और पवित्रता का अनुभव होता है। इस अवसर पर लोग नदियों और तालाबों के किनारे एकत्रित होकर सामूहिक रूप से सूर्य देवता की पूजा करते हैं, जिससे सामूहिकता की भावना प्रबल होती है। छठ पर्व के समय लोग अपने पूर्वजों और दिवंगत आत्माओं का भी स्मरण करते हैं और उनकी शांति और उद्धार की कामना करते हैं। यह पर्व एक प्रकार से उन सभी आत्माओं को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है, जिन्होंने हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पर्व में किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं होता, बल्कि यह पूरी तरह से सादगी, श्रद्धा और भक्ति का पर्व है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी आस्था और निष्ठा से हिस्सा लेता है। इस प्रकार छठ पर्व भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक अनमोल हिस्सा है, जो मानव जीवन में प्रकृति और उसके तत्वों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का भाव उत्पन्न करता है। इस तरह की जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर Facebook पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।